दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे वाईफाई एक्सटेंडर के बारे में। आपने ये तीन चार टर्म्स जरूर सुनी होगी, वाईफाई एक्सटेंडर होता है, एक वाईफाई रिपीटर होता है, वाईफाई बूस्टर होता है। अब ये जो तीनों टर्म है ये होती सेम ही है बट कुछ डिफरेंस होते हैं। तो क्या डिफरेंस होते हैं, कब आपको वाईफाई एक एक्सटेंडर जो है लगाना चाहिए या फिर बूस्टर लगाना चाहिए या फिर रिपीटर लगाना चाहिए, तो ये तीनों भी मैं क्लियर करूँगा आगे। और कब आपको ये लगाना चाहिए, किस लिए ये होते हैं, कैसे आप इनको यूज़ कर सकते हैं और रियलिटी में क्या इनसे स्पीड बढ़ती है वाईफाई की या फिर ये सिर्फ एक्सटेंड करते हैं आपके वाईफाई को या क्या इनकी रियलिटी है, वो सब कुछ इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। सब कुछ डिटेल में बताऊंगा आफ्टर दिस इंट्रो। दोस्तों अगर आपने अभी अभी ब्रॉडबैंड लगाया है और आप सोच रहे हैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं जहाँ पर अभी आपका जो ब्रॉडबैंड है, जहाँ पे आपका मॉडेम रखा हुआ है, वहाँ से थोड़ा सा दूर जाते हैं और आपका मोबाइल में से सिग्नल चले जाता है, आपको वाईफाई नहीं मिलता और मिलता भी है तो बहुत स्लो स्पीड मिलती है, तो आप सोच रहे हैं यार ये क्या हो रहा है, मतलब क्यों हो रहा है। फिर आप सर्च करते हैं कि कैसे स्पीड बढ़ाएं, नेटवर्क कैसे बढ़ाएं या फिर ये सब करते हैं, तो फिर आपके स्क्रीन पे आता है, गूगल में आप सर्च करते हैं तो फिर आपको दिमाग में आता है कि यार हम वाईफाई बूस्टर लगा लें, वाईफाई एक्सटेंडर लगा लें या फिर वाईफाई रिपीटर लगा लें ताकि हमारी जो स्पीड है या फिर जो हमको सिग्नल मिलते हैं वाईफाई के वो अच्छे से मिलने लग जाए। बट रुकिए, अभी ऐसा कुछ मत करिए, पहले ये वीडियो देख लीजिए पूरा ताकि आप सही से डिसाइड कर पाएँ कि आपको क्या इनकी रियली में ज़रूरत है या फिर एक मॉडेम बदलने की ज़रूरत है आपको। तो ये आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको रियली में मॉडेम की ज़रूरत है एक दूसरा या फिर आपको एक इन वाईफाई बूस्टर या रिपीटर की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते कि ये जो तीनों चीज़ें होती है, एक्सटेंडर, रिपीटर और बूस्टर, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए कोई भी डिफरेंस नहीं होता। जो एक्सटेंडर होता है, वाईफाई एक्सटेंडर जिसको बोलते हैं, वो होता है वो पहले चलता था। अभी उसमें क्या होता था, वो वायरलेस नहीं था, वहाँ पर आपको एक लैन पोर्ट ज़रूर से होनी चाहिए थी, मतलब कि आपका जहाँ भी मॉडेम लगाए वहाँ से जिस कमरे में या फिर जिस लोकेशन पे आपको एक्सटेंड करना है आपका वाईफाई, वहाँ तक कि आपको एक लेन लगानी पड़ती थी और उस लेन के थ्रू वहाँ पर कनेक्शन मिलता था। वो जो डिवाइस लगाए उस एक्सटेंडर को, एक्सटेंडर बोलते हैं उसको, तो उस एक्सटेंडर को वो लेन के थ्रू कनेक्शन मिल जाता था। वो एक्सटेंडर क्या करता था, आपको फिर वाईफाई देता था, मतलब कि वहाँ से आप वाईफाई यूज़ कर सकते और उसमें कोई भी ज़्यादा स्पीड का ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता था। यानी कि जो नॉर्मल आपके प्लान की स्पीड है, यानी कि यहाँ पर आपके आपने फॉर एग्जांपल आपने प्लान ले रखा है 60 Mbps का, तो जो 60 Mbps की स्पीड थी वो ज़रूर से आपको 60 Mbps की स्पीड मिलती थी, बट अगर थोड़ा सा और दूर लगा लेंगे, आपको मान लो आपने 50 मीटर दूर लगा लिया तो स्पीड तो लगभग वही मिलेगी बट जो लेटेंसी होती है वो बढ़ जाएगी। तो सभी के केस में लेटेंसी तो बढ़ने वाली है, फॉर 100% आप गेमिंग नहीं कर सकते एक्सटेंडर के साथ या फिर रिपीटर या बूस्टर के साथ आप गेमिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो लेटेंसी है वो बहुत बढ़ जाएगी, तो गेमिंग भूल जाइए आप, वो नहीं कर सकते। तो इनकी लेटेंसी बढ़ जाती थी और कुछ केसेस में यहाँ पर आप जो है स्पीड आपको थोड़ी सी ड्रॉप देखने को मिलेंगी, यानी कि आपको 60 Mbps का प्लान है तो अगर लेन से कनेक्ट है तो फिर स्पीड नहीं देखने को मिलेगी, अगर एक्सटेंडर आपने लगा रखा है तो। ये टर्म आप याद रखना, वाईफाई एक्सटेंडर होता है, वाईफाई रिपीटर होता है और वाईफाई बूस्टर होता है। तो जो अगला पॉइंट है, एक्सटेंडर की हम बात कर रहे हैं अभी, जो अगला पॉइंट है रिपीटर, उसके बारे में बात करेंगे। तो एक्सटेंडर सिर्फ यही होता है कि आपका जो जहाँ पे आपको वाईफाई चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट फ्लोर पे आपने मॉडेम रख रखा है, आपका मेन लाइन वहीं पे आ रही है फर्स्ट फ्लोर पे, अब आपको ग्राउंड फ्लोर पे आपका वाईफाई वीक हो गया, वहाँ पे आपको एक रिपीटर चाहिए, यानी कि आपको वाईफाई एक्सटेंड करना है आपका, तो एक्सटेंडर चाहिए। तो फर्स्ट फ्लोर से आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आपको एक लेन लगानी पड़ेगी और फिर ये वाईफाई एक्सटेंडर काम में आएगा, तो वहाँ पे आपको वाईफाई का सिग्नल फुल मिलने लग जाएगा। किसके थ्रू, फिर आपके मॉडेम के थ्रू आपको सिग्नल नहीं मिलेगा, फिर आपको जो एक्सटेंडर है उसके थ्रू डायरेक्ट आपको सिग्नल मिलेगा वाईफाई का और वहाँ पे आप लैपटॉप या मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं और स्पीड भी अच्छी खासी मिलेगी, हालांकि लेटेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया है वहाँ पर, थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये हो गया एक्सटेंडर का काम। अब जो रिपीटर आता है, ये थोड़ा सा नया टेक्नोलॉजी, यहाँ पर क्या होता है आपको लेन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली कॉन्फिगर कर ले, पहले आप जो मॉडेम के थ्रू आप लेन लगा के उसको कॉन्फिगर कर लें, वायरलेस भी कॉन्फिगर कर सकते हैं, तो कॉन्फिगर कर लेंगे फिर उसके बाद आप उसको प्लग में लगा दो, कहीं पर भी लगा दो, फिर वहाँ पे थोड़ा सा तो आपको जो है वो सिग्नल आने चाहिए, मतलब कि आपके जो वाईफाई लगा हुआ है ऑलरेडी घर में उसके थोड़े से भी सिग्नल आएंगे, यानी कि वीक सिग्नल भी आएंगे, उसको वो कैच करेगा और फिर वहाँ से वो बूस्ट करके आपको दे देगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, आपकी जो स्पीड है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने 60 Mbps का प्लान ले रखा है, तो जो 60 Mbps वाली जो स्पीड है वो आपको कभी नहीं मिलने है, लेटेंसी तो भूल जाएगी, अच्छी मिलेगी, लेटेंसी इतनी हो जाएगी कि आपकी 20 की लेटेंसी है मेन वाईफाई में, जो मेन आपका मॉडेम लगा है वहाँ पर 20 लेटेंसी है, तो वो बढ़ के करीबन 40 या 50 लेटेंसी हो जाएगी, उससे कम तो होने ही नहीं वाली, वो इतनी तो बढ़ जाएगी। और स्पीड भी जो है 60 Mbps का प्लान ले रखा है, स्पीड हो जाएगी आपकी 30 Mbps, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, 25 ही मान के चलिए, 20 से 25 के बीच में आपको स्पीड मिलेगी, यानी कि जो बैंडविड्थ आपकी है वो कम हो जाएगी। तो ये यहाँ पे आपको ड्रॉबैक इसका देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें बूस्टर की,
तो वो बूस्टर से नाम आपको लग रहा है कि बूस्ट कर देगा बट कोई बूस्ट नहीं करेगा, वो भी सेम यही काम करता है, उसमें और भी कोई चेंजेस नहीं है, सेम ये वही काम करता है। तो जो तीनों टर्म है वो होती सेम ही है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ आपको इंटरनेट चाहिए, यानी कि आपको बेसिक यूज़ करना है इंटरनेट का, तो इनके लिए ये ठीक है। बट आपको ऐसा काम करना है जैसे कि गेमिंग करना है, जिसमें कि आपको जो लेटेंसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर गेमिंग करना है तो उसके लिए तो आपको मेन जो आपका मॉडेम है वो ही बदलना पड़ेगा, फिर आपको एक्सटेंडर वगैरह से काम नहीं चलेगा। अब मॉडेम बदलेंगे तो यहाँ पर कैसे आप काम करेंगे उसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आगे वीडियो में, तो आप समझ गए कि इतना तो ये एक्सटेंडर कैसे काम करते हैं। आपको सिर्फ कॉन्फ़िगर करना है, आपके मेन मॉडेम है, मेन जो मॉडेम है उससे कॉन्फ़िगर करना है, और फिर आप चाहे जहाँ भी उसको लगाएं लो सिग्नल जहाँ पे आ रहा है, ऐसा नहीं कि जहाँ सिग्नल ही नहीं आ रहा है वहाँ लगाएंगे तो सिग्नल आने लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लो सिग्नल आ रहा है यानी कि जो हम देखते हैं बार में, जो नेटवर्क का बार होता है वाईफाई का, अगर एक आ रहा है तो भी वहाँ पे वो काम करेगा, एक आ रहा है उसको लेगा और वो एक्सटेंड करेगा और फिर उसको सिग्नल आपके मोबाइल में दे देगा। अब इसमें होगा क्या, पूरी प्रोसेस बता देता हूँ, तीनों में सेम है। इसमें कैसे ये काम करता है, आपका फ़ोन में जो भी आपका सिग्नल आपको जो यूज़ कर रहे हैं तो वो पहले आपके जाएगा जो आपने लगा रखा है एक्सटेंडर या रिपीटर, उसमें जाएगा सेम फ्रिक्वेंसी में, जो मॉडेम की फ्रिक्वेंसी है उस सेम फ्रिक्वेंसी में जाएगा। इसीलिए आपकी जो स्पीड है, जो बैंडविड्थ है वो कम हो जाएगी, अगर फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको जल्दी से वो पूरी प्रोसेस करनी होती है। अगर आप यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो उसको जल्दी से ओपन भी तो करना है कोई चीज़, तो वो क्या करेगा, जल्दी से उसको सेम फ्रिक्वेंसी में अपना जो मेन मॉडेम है उसको ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेगा, तो उस जल्दी के चक्कर में वो फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं करेगा। फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं करेगा तो बैंडविड्थ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर आपको जो बैंडविड्थ है वो कम देखने को मिलती है, सेम फ्रिक्वेंसी पे वो वर्क करता है। इसलिए यहाँ से क्या होगा, डायरेक्टली आपके जो रिपीटर आपने लगाया है आपका सिग्नल वहाँ पे जाएगा, वो रिपीटर उसको जो मेन मॉडेम है उस तक पहुँचाएगा, और ये जल्दी काम होता है, मिली सेकेंड में होता है, आपको पता भी नहीं चलता है, बट इसमें आपकी जो बैंडविड्थ है वो कम हो जाती है। तो यही काम होता है, इसी तरह से वर्क करता है पूरा आपका जो रिपीटर होता है, या फिर बूस्टर मान लो, या फिर एक्सटेंडर मान लो, ये सभी इसी तरह से वर्क करते हैं। तो ये रिपीटर बूस्टर आपको कब लगाना चाहिए, कि आपको जो बेसिक वर्क है अगर आपको करना है, जैसे कि ब्राउजिंग करना है नॉर्मली, वीडियोज़ वगैरह वॉच करना है तो भी ठीक ठाक है, क्योंकि 20-25 Mbps की स्पीड में आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। आपके यहाँ अच्छा प्लान लगा है 100 Mbps का या 200 Mbps का तो फिर ठीक है, तो आप कर सकते हैं, बट हाँ 60 Mbps के प्लान में भी आप वीडियोस, क्योंकि 25 Mbps के प्लान में भी आप HD वीडियोस आराम से स्ट्रीमिंग कर पाएंगे, रिपीटर में भी, एक्सटेंडर रिपीटर सब सेम है, तो मैं यहाँ पर रिपीटर की बात करूँगा, तो रिपीटर में भी आप ये सब कर पाएंगे। बट अगर गेमिंग करना है तो फिर आप ये नहीं करेंगे, अगर गेमिंग करना है तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जो मेन मॉडेम है उसी से आप कनेक्ट रहिए, लेन से कनेक्ट कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। लेन भी अगर ज़्यादा करेंगे तो लेन में भी लेटेंसी बहुत देखने को मिलेगी, लेन में भी आप 10 मीटर से ज़्यादा अगर आप एक्सटेंड करेंगे लेन को तो वहाँ पर लेटेंसी बढ़ जाती है। तो गेमिंग कर रहे हैं तो कभी भी लॉन्ग डिस्टेंस पे मत करिए, आप मॉडेम वहीं रखिए जहाँ पे आपको गेमिंग करना है। तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कब आपको यूज़ करना है, कब आपको यूज़ नहीं करना है, गेमिंग के टाइम पे बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज कोई भी वर्क है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरे सॉल्यूशन की, आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपने रिपीटर लगवाया, प्रॉब्लम आई तभी तो रिपीटर लगाया, अगर मान लो वो प्रॉब्लम डायरेक्टली बिना रिपीटर के सॉल्व हो जाए तो फिर कैसा रहेगा। यहाँ पर आप जो मॉडेम यूज़ कर रहे हैं, जो फाइबर वाला मॉडेम है, वो कंपनी जो देती है वो बहुत ही घटिया मॉडेम देती है, आप कोई भी कंपनी का डिफॉल्ट मॉडेम लेंगे तो वो काम नहीं करेगा इतना जितना आप अच्छा जो दूसरा मॉडेम आते हैं वो काम करते हैं। तो जैसा कि मेरे जो वीडियो मैंने बनाया था BSNL वाला, जिसमें मैंने टीपी लिंक का एक राउटर लाके लगाया था, वो आप देखिए वहाँ पर मैंने क्यों लगाया था, वो इसीलिए लगाया था ताकि स्पीड अच्छी मिल सके, दूर डिस्टेंस पे भी अगर मैं कहीं पे भी रहता हूँ मेरे घर में तो मुझे अच्छी खासी स्पीड मिल जाती है, वो ऑटोमेटिकली स्विच भी कर देता है 5 से 2 GHz में। 5 GHz अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो 10 मीटर से ज़्यादा रेंज नहीं मिलेगी उसकी, 10 मीटर के अंदर अंदर ही आपको उसको यूज़ करना है और अच्छी खासी स्पीड मिल जाएगी। और अगर आप 2.4 GHz यूज़ करेंगे तो उसकी 50 मीटर तक की भी रेंज हो सकती है, अगर कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है बीच में, तो यानी कि दीवार वगैरह नहीं आ रही है, 50 मीटर तक वो जा सकता है। दीवार आ रही है तो फिर जाएगा तो सही वो, बट उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, यानी कि 2.4 GHz की जो मुझे फुल स्पीड कभी भी नहीं मिली है, यानी कि अगर मैं 60 Mbps का मेरा प्लान है तो वहाँ पर अगर मैं 2.4 GHz में यूज़ करूँगा वहीं पर सेम रूम में तो 40 Mbps मिलेगी, और अगर थोड़ा भी दूर गया यानी कि 10 मीटर या 15 मीटर में दूर चला गया तो वो 25 Mbps की स्पीड मिलेगी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, और सेम चीज़ आपको रिपीटर या एक्सटेंडर में भी मिलेगी। तो क्यों हम पैसा वेस्ट करें, अलग से उसको खर्चा करें, मतलब कि ये सब करने में, जबकि हमारा जो मॉडेम है वो ये काम करके देगा और वो सेम जगह पर पड़ा रहेगा, और आपको अगर लेन ला के लगाना है तो उसमें लेन का भी अच्छा खासा सिस्टम आपको देखने को मिलता है। तो 1200-1300 रुपये आप मॉडेम पे खर्च करिए एक दूसरे मॉडेम पे, जो डिफ़ॉल्ट मॉडेम आता है वो तो ठीक है, अगर वो अच्छा है तो वो वर्क करेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर वो प्रॉब्लम आ रही है
तो फिर आप रिपीटर मत लीजिए, आप एक अच्छा मोडेम लीजिए। आजकल 1500 या 1200 रुपए में भी काफी अच्छे मोडेम आ जाते हैं। और मैंने जो ऑर्डर किया था वो भी, उसका वीडियो आप देख लीजिए, क्या पता आपको वो पसंद आ जाए। और वो अच्छी स्पीड भी देता है, काफी अच्छी स्पीड मिलती है उसमें। फुल अगर लेन से भी कनेक्ट करूँ या फिर वाईफाई से भी कनेक्ट करूँ 5 GHz पे, तो वो वहाँ पर भी अच्छी स्पीड मुझे देता है मेरे वायरलेस डिवाइसेस में, यानी कि वाईफाई में, मतलब कि जो मोबाइल है उसमें भी मुझे अच्छी खासी स्पीड मिलती है, लैपटॉप में भी काफ़ी अच्छी स्पीड मिलती है, मुझे लेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये यहाँ पर आपको यूजफुल रहेगा वाईफाई एक्सटेंडर के बजाय। बूस्टर के लो या रिपीटर के लो, ये सब सेम है, तो इनके बजाय आप एक अच्छे मोडेम पे इन्वेस्ट करिए, ना कि ये रिपीटर या फिर जो भी इन पे। ये आप कब यूज़ करिए, जब आपको पता है कि यार काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है और वहाँ पर ये जो कोई भी मोडेम लाके लगा लो वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी आप मोडेम लाएंगे उसकी रेंज फिक्स रहती है। इसका जो रेंज का जो फंडा है वो लो के अकॉर्डिंग चलता है, जो इंटरनेट का लो होता है इसकी रेंज हम बढ़ा नहीं सकते हैं। कुछ भी आप कर लो, कुछ भी ट्राई कर लो, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर वगैरह कर लो, इसकी रेंज फिक्स रहती है, वो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वो उससे ज़्यादा करेंगे तो वो इल्लीगल है। इसलिए इन मॉडेम वगैरह की रेंज आप बढ़ा नहीं सकते, वाईफाई की रेंज बढ़ा नहीं सकते, वो फिक्स है, जितनी है वो उतनी ही रहेगी। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको रेंज, मतलब वहाँ पर वाईफाई ही चाहिए और आपकी मॉडेम की वहाँ पर रेंज नहीं जा रही है, तब आप जाके आप एक्सटेंडर का यूज़ करिए। अदरवाइज आपको रूम में अगर दिक्कत आ रही है या फिर थोड़े से दूर चलें, 10 मीटर में चलें और वहाँ पे भी दिक्कत आ रही है, तो फिर आप थोड़ा सा मॉडेम चेंज कर लीजिए, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये सारे जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये समझ में आ गया होगा, कब आपको राउटर लगाना चाहिए दूसरा, या फिर कब आपको जो है वो एक्सटेंडर का यूज़ करना चाहिए। तो एक्सटेंडर जो बेस्ट एक्सटेंडर है उनके भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और जो राउटर मैं लेके आया था उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। टीपी लिंक का राउटर है, वो बेस्ट राउटर है, वो भी देख लीजिए, और उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई जरूर से करूँगा, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको मिलते रहें। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।